हेलो दोस्तों, बीसीसीआई ने फाइनली और चीफ सेलेक्टर जय शाह ने इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम तीन टेस्ट मैचों के लिए भारत की टीम अनाउंस कर दिया है, जिसमें आप लोगों को तीन बड़े बदलाव देखने को मिलेगा। पहला, श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया के स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि शुरू के दोनों टेस्ट मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने किसी भी मैच में परफॉर्म नहीं किए थे, इसीलिए श्रेयस अय्यर को अब टीम से बाहर कर दिया गया है और उन्हें टीम स्क्वाड में नहीं रखा गया है। और दूसरा बड़े न्यूज यह है कि आकाशदीप को अब टीम इंडिया के लास्ट के तीन टेस्ट मुकाबलों के लिए उन्हें भी टीम इंडिया के स्क्वाड में जोड़ लिया गया है। यदि आप लोग आकाशदीप को नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पिछला सीजन 2023 के IPL में मुंबई की तरफ से सबसे बेहतरीन गेंदबाज किए थे आकाशदीप। और तीसरा सबसे बड़ा न्यूज यह है कि जितने भी विराट कोहली, किंग विराट कोहली के क्रिकेट फैंस हैं, उन्हें अब दुख का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि विराट कोहली लास्ट के तीन मुकाबलों में फिर एक बार विराट कोहली अपना नाम को वापस ले लिए हैं, और इसी वजह से उनका टीम स्क्वाड में नाम नहीं आया गया है। और विराट कोहली के करियर में यह पहली बार होगा कि जब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेला जा रहा हो और विराट कोहली किसी भी मुकाबले में उपलब्ध नहीं होंगे। और विराट कोहली का तीनों टेस्ट मुकाबले से बाहर होने का रीजन BCCI ने खुलकर फिर नहीं बताया है, यही बताया है कि विराट कोहली का कोई पर्सनल रीजन है, इसी वजह से विराट कोहली लास्ट के तीनों टेस्ट मुकाबले से आराम लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड बता देता हूँ, जो BCCI ने फाइनली अब टीम इंडिया का अनाउंस कर दिया। आखिर हम भी देखें कि विराट कोहली के जगह पर किस प्लेयर को टीम इंडिया ने मौका दिया है, वाकई वो विराट कोहली के जगह को अच्छे से निभा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को टीम इंडिया का स्क्वाड बता ही देता हूँ। पहला नाम भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और वाइस कप्तान जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। और उसके बाद ओपनिंग के तौर पर यशस्वी जायसवाल को मौका दिया गया, क्योंकि यशस्वी जायसवाल शानदार दोहरे शतक जड़ा था। और सुमन गिल को भी मौका दिया गया है। और उसके बाद KL राहुल चोट की वजह से बाहर हो गए थे, लेकिन वो ठीक हो गए, इसीलिए उन्हें अंदर कर लिया गया है। और अगला नाम सरफराज खान को भी अभी निकाला नहीं गया, क्योंकि उन्हें एक भी मैच में खेलने के लिए मौका नहीं मिला था। और रजत पाटीदार और विकेट कीपिंग के तौर पर KS भरत और ध्रुव जुरेल को भी मौका दिया गया है। और ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा भी चोटिल की वजह से बाहर हो गए थे, लेकिन वो फिजिकली फिट हो चुके हैं, इसीलिए उनका टीम में वापसी हो गया है। और वाशिंगटन सुंदर और अभिषेक अश्विन, तो इन्हें ऑलराउंडर के तौर पर सिलेक्शन किया गया है। और फास्ट बॉलरों की बात की जाए तो मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और आकाशदीप को टीम में जगह दिया गया है। तो दोस्तों, यही है टीम इंडिया की स्क्वाड, जो अंतिम तीन टेस्ट मुकाबलों के लिए जगह दिया गया है। तो दोस्तों, तब तक के लिए चलते हैं और अगले वीडियो में इसी जोर जुन साथ मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।